नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दलवीर सिंह दुसांझ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इनकलाब जिंदाबाद। तो आज हम इनकलाब जिंदाबाद चैनल में करेंगे कि पानी को घूट घूट कर कर क्यों पीते हैं, सिप सिप कर कर थोड़ा थोड़ा कर कर क्यों पीना चाहिए, इस पर बात करेंगे। पर इससे पहले आपसे एक बात करता हूं कि हम लोग ये नया चैनल लेकर आए हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को नीचे दिए हुए लाल बटन पर सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में एक घंटी आएगी, उसको भी घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसी टाइम उस घंटी बज जाए और आपको पता लग जाए कि नया वीडियो अपलोड हुआ है। सो हमारा चैनल ऑलराउंडर है तो हम लोग अलग अलग तरीके की जानकारियां आपको देते रहते हैं। तो आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि पानी जो घुट घुट कर कर या सिप सिप कर कर क्यों पीना चाहिए। तो पानी किस तरीके से, कितने तरीके हैं पानी पीने के, ये हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप लोग हमें पता लग जाएगा आपको। तो पानी घुट घुट कर कर क्यों पीना चाहिए, आयुर्वेद में स्वामी बाघभट्ट जी, स्वामी चरक जी, चाणक्य जी ने यही उन्होंने तर्जुमा किया है कि हमें पानी कैसे पीना चाहिए, प्रकृति के अनुसार पीना चाहिए। प्रकृति कैसे, कि प्रकृति का उन्होंने कैसे इमेजिनेशन किया, परिभाषा दी, उन्होंने देखा एक चिड़िया को पानी पीते हुए देखा, एक कौए को पानी पीते हुए देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि एक कौआ पानी पी रहा है तो ऐसे चोंच दबाता है और पानी पीता है तो ऊपर को चोंच करता है, फिर ऐसे ऐसे करता है। ऐसे चिड़िया पानी पीती है तो ऐसे ऐसे करती है। तो वो कहते हैं ये पानी ऐसे ऐसे कर कर क्यों पीते हैं पंछी। उन्होंने इस चीज़ पर परिभाषा करी और इस चीज़ पर उन्होंने अपना पूरा उन्होंने नॉलेज लिया इस चीज़ का कि ये क्यों पीते हैं ऐसे। ऐसे उन्होंने देखा भी शेर जंगलों में देखे, बहुत सारे जानवर, कुत्ता देखा, कुत्ता ऐसे पानी पीता है तो चाट चाट कर पानी पीता है, वो चाट चाट कर पानी क्यों पीता है। उन्होंने देखा कि अगर इंसान भी ये घूट घूट कर पानी पिए तो कभी बीमार नहीं हुआ, क्योंकि आपने कभी देखा किसी कुत्ते को, उसको हार्ट अटैक हो रहा है वो हॉस्पिटल में जा रहा है, जब किसी जानवर में को देखा है जंगलों में है उसका कोई डॉक्टर थोड़े ना होता है। तो इंसानों को कितने सारे डॉक्टर बन गए, इसका कारण यही उन्होंने निकाला कि ये चाट चाट कर पानी पीते हैं, इसमें दवाई है। आपने देखा होगा किसी कुत्ते को, अगर वो कुत्ता कोई किसी कुत्ते को जख्म हो जाता कहीं पर भी तो वो अपनी जीभ से चाटता है, तो जहां तक तो उसकी जीभ पहुंचती है वहां तक तो उसके जख्म बिल्कुल सही हो जाते हैं। कई बार आपने कुत्ते के देखा होगा सिर पर जख्म हो जाता है तो फिर वो उसको गल जाता है, वहां पर कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो सारा जो जो चीज है वो घूट घूट कर कर पानी पीने की और जीभ में बन रहा केमिकल उसकी ही है। हमारे जीभ में जो केमिकल बनता है, हमारे जीभ में जो लार बनती है, इसका बहुत सारा महत्व है। तो ये घूट घूट कर कर पानी पीने का चक्कर भी यही है कि हम लोग समय पर समय हमें मुंह में ये केमिकल बनता है और दवाई बनती है और ये दवाई हमारे शरीर के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो ये दवाई हमारे शरीर में टाइम टाइम पर जानी चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि पानी को आप जब भी पीजिए बैठकर पीजिए और घूट घूट करके थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। आप पानी अगर काम करते हैं कोई ऐसा तो ऑफिस में काम करते हैं, किसी बैंक में काम करते हैं या स्कूल में किसी टीचर हैं तो आप पास अपने पानी रख लीजिए, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा पानी पी लीजिए, तो थोड़ी देर बाद फिर पानी पी लीजिए, फिर क्या होगा आपके जो मुंह में लार बनती है ना ये समय समय पर आपके अंदर जाती रहेगी और आप लोग जिंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे, जिंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे अगर आपने ये घूट घूट कर कर पानी पीना शुरू कर दिया। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, भी घूट घूट कर कर पानी पीना शुरू कर दीजिए और बीमारियों को रखिए दूर। और अगली जानकारी लेके आऊँगा मैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस चैनल को शेयर भी कीजिए और इसे लिंक भी दीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए और ला सकूँ। सो इतना कहता हुआ नमस्कार।